गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अवर सेकंड सिविक्स लेसन इज द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स भारतीय संसद। वी हैव स्टडीड दैट द पार्लियामेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये पढ़ा है कि पार्लियामेंट जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कहाँ पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो भारतीय संसदीय शासन पद्धति है उसमें पार्लियामेंट का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये हमने पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी हैव विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद हमें ये पढ़ना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय संसद को किसने क्रिएट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल दैट इज़ द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। तो जो लेजिस्लेचर है मीन्स कायदेमंडल नेशनल लेवल पे, लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी लेवल कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या क्या है, देखो, प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। दो प्रेसिडेंट इज एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट का जो रोल है पार्लियामेंट में इंस्पिरेबल है मीन्स अविभाज्य है। ही शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द आइदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के डिस्कशन में भाग नहीं ले सकते हैं। द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के टू हाउसेस कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। कैन यू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन इंडिया गेट सीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट जो मीन्स जो घटक राज्य है इंडिया की, उनको जो सीट्स मिलती है वो किसके आधार पर, बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर गेटिंग सीट्स ऑन बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जो इलेक्शंस है इसके लिए स्टेट को कैसे डिवाइड किया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंस मीन्स भौगोलिक मतदार संघ में। द पॉपुलेशन ऑफ दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंट इज अप्रोमेटिकली इक्वल, लेकिन उसका पॉपुलेशन इक्वल होना चाहिए ये भी देखा जाता है। यूज द इंटरनेट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट इज कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एज इन द लोकसभा फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र 48 सीट। तो इंटरनेट के जरिए तुम्हें कौन से स्टेट में कितने सीट्स है लोकसभा के लिए, वो तुम्हें इंटरनेट के जरिए देखना। देन लोकसभा, लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स लोकसभा इज द लोअर एंड फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे लोअर लेकिन फर्स्ट हाउस है। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये क्या कहता है, डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट किया जाता है, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस, इसलिए लोकसभा को कहते हैं फर्स्ट हाउस, प्रथम सभा गृह। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंस मीन्स जो लोकसभा के मेंबर है वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंस से, भौगोलिक मतदार संघ में से। द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। तो लोकसभा टेन्योर कितना है, 5 ईयर। द इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर, फिर एवरी 5 ईयर इलेक्शन लिया जाता है। दिस इलेक्शन आर नोन एज जनरल इलेक्शन, इस इलेक्शन को क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन मीन्स सार्वजनिक निवडणूक। देर आर एग्जाम्पल व्हेन द लोकसभा वाज डिसॉल्व बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर इलेक्शन इन सच अ केस आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, लोकसभा डिसॉल्व होती है बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर मीन्स पास 5 ईयर कम्प्लीट होने के पहले, तो इलेक्शन डबल जो लिया जाता है उसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन मीन्स मध्यावर्ती निवडणूक। लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो लोकसभा क्या है, क्या करती है, जो
प्रतिनिधित्व करती है पूरे सिटी कंट्री के सिटीजन का. एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट देयर कैन बी अ मैक्सिमम 552 मेंबर इन द लोकसभा. कितने मेंबर्स हैं मैक्सिमम 552 इन द लोकसभा. इंसर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ कम्युनिटी. सम सीट्स आर प्रिजर्व फॉर मेंबर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑल सेक्शन में ऑल कम्युनिटी में दिया जाता है और कुछ रिजर्व भी रखा जाते हैं सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द टू मेंबर फ्रॉम दिस कम्युनिटी एट द लोकसभा. अगर जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी है उनको एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी इनको अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिले मीन्स उनको प्रतिनिधित्व नहीं रहे एट दैट टाइम जो राष्ट्रपति है वो क्या कहता है उनके टू मेंबर्स वो अपॉइंट करता है मीन्स उनको पूरी तरह से जब प्रतिनिधित्व मिलता नहीं है एट दैट टाइम राष्ट्रपति उनके दो मेंबर्स को अपॉइंट करता है. ओके थैंक यू.